हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है प्रकाश और आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल का संडे कमेंट बॉक्स में फिफ्थ वाला एपिसोड पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आई सर का जो सवाल जो आपने मुझे पूछे थे उसका मैं यहाँ पर रिप्लाई करूँगा। लेकिन दोस्तों, रिप्लाई करने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है इस वीडियो को बिल्कुल ख़त्म तक देखिएगा, मतलब एंड तक। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, बिल्कुल एंड तक नहीं देखते हैं। उन्हें लगता है कि मैं उनका कमेंट का रिप्लाई नहीं करता हूँ, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं सबका कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, और जिसका भी मान लेते हैं मैं वीडियो पर रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ उसका मैं कमेंट बॉक्स में उसको रिप्लाई कर देता हूँ। और मान लेते हैं इस वीडियो पर मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया हूँ तो सामने और एक वीडियो आएगा, क्योंकि आप लोग को अगर नहीं पता मैं आपको बोल लेता हूँ, संडे कमेंट बॉक्स में दो वीडियो हमारे आते हैं हमारे चैनल पर, तो शाम वाला वीडियो को भी देखना पड़ेगा आपको अगर इस वीडियो पर आपका रिप्लाई अगर मैंने नहीं किया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अब बिना कोई टाइम वेस्ट करके मैं पहला कमेंट लेता हूँ। तो दोस्तों, जो पहला कमेंट लिखते हैं उनका नाम है सुधांशु प्रधान। उनका कहना यह कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं है, क्या मैं अंडरटेकिंग देकर एडमिशन ले सकता हूँ पूसा एग्रीकल्चर पे? तो सुधांशु जी, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास अगर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं है, या मान लेते जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको बोलते हो नहीं है, कोई बात नहीं। आप अंडरटेकिंग लेकर आप एडमिशन ले सकते हैं। आपका एडमिशन रुकेगा नहीं, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं है उसके लिए रुकेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप अंडरटेकिंग लेकर मतलब लिख करके एडमिशन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं अगला कमेंट की। अगला कमेंट लिखने वाले हैं हनी सिंह, बहुत अच्छा नाम है आपका हनी सिंह। उनका कहना है कि आई गॉट JAU गुजरात, हाउ इट इज JAU गुजरात, यानी कि आप बात कर रहे हैं जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, शायद इसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कॉलेज अच्छा है, वेरी गुड कॉलेज। और किस ब्रांच में आपको मिला है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर या फिशरी पे, वो भी थोड़ा सा उसको भी थोड़ा देखना है, और अच्छे से मैं डिस्कस कर पाऊंगा अगर आप बता देंगे किस कोर्स पे आपका मिला है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं दोस्तों अगला कमेंट के। अगला कमेंट लिखने वाले हैं सिप्रा दास। उनका कहना है कि आई गॉट डॉक्टर YSR हॉर्टिकल्चर कॉलेज। आपको हॉर्टिकल्चर में मिला है, ठीक है। YSR हॉर्टिकल्चर कॉलेज मतलब कहाँ पर ये, मतलब वो आंध्र प्रदेश में है, उसके बारे में ज़्यादा बोल रहे। तो आपका क्वेश्चन है कि ये कॉलेज कैसा है और गैप सर्टिफिकेट चाहिए क्या एडमिशन में, बताइए। हाँ सिप्रा जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सुनिएगा मेरे जो रिप्लाई, आप सुनिएगा। आपको सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन, आपको हॉर्टिकल्चर पे मिला है, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर। तो मैं आपको कंग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ। आपका जो सवाल है कॉलेज कैसा है, मेरे हिसाब से कॉलेज ठीक है, अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा मतलब आंध्र प्रदेश पे क्या होता है ना, मतलब क्या मतलब प्रॉब्लम क्या होता है ना, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उधर क्या होता है ना, लैंग्विस्टिक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है ना। मैं जितने स्टूडेंट्स को मतलब पूछताछ किया हूँ, थोड़ा सा लैंग्विस्टिक में मतलब प्रॉब्लम रहता है, तो आप अगर थोड़ा सा उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी ठीक है कॉलेज, कोई दिक्कत नहीं है। और गैप सर्टिफिकेट कोई मेरे ख्याल से बिल्कुल, जो काउंसिलिंग ब्रोचर जो लिखा गया है आई सर का, मैं उधर चेक किया, गैप सर्टिफिकेट के बारे में कोई बातचीत नहीं किया गया है। अगर भी मान लेते हैं गैप सर्टिफिकेट चाहिए तो आप कॉलेज से पूछताछ करिएगा। मान लेते हैं वो आपको बोलेंगे कि वो आपने क्यों नहीं लाया, आप बोले कि मैं बाद में लाऊंगा ऑर्डर टेक, उसके लिए आप लिख सकते हो। लेकिन मुझे जितना पता है, पूरी बात सुनो सिप्रा जी, मुझे जितना पता है गैप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लेते चाहिए, मान लेते वो कुछ नया नियम हुआ होगा, मेरे ख्याल से तो नया रूल्स अभी तक नहीं है, क्योंकि गैप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे इतना पता है, फिर भी मान लेते वो बोलेंगे तो तुम मॉनिटरिंग लेके बाद में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं अगला कमेंट के। अगला कमेंट लिखने वाले हैं पलक धीमान, उनका नाम है ऐसे, और उन्होंने बहुत कुछ लिखे हैं, मैं पढ़ लेता हूँ वन बाय वन करके। उनका कहना है कि माई मार्क्स 248 PCB स्ट्रीम में, OBC रैंक 6997 है, ओवरऑल रैंक 14473 है, आई हैड फील्ड ऑल कोर्सेस, आई हैड नॉट अलॉटेड इन एनी कोर्स इन फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड, इज दर एनी चांस इन थर्ड राउंड? तो पलक जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ ये चीज़ मैं बार बार बोल के थक चुका हूँ, क्योंकि OBC कैटेगरी पे बहुत ही कम सीट है आई सर के थ्रू, और आपका जो रैंक है करीब 7000 के आसपास है, 6997 थर्ड राउंड पे। उम्मीद रखो, कोई मना नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं होने का चांसेस ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं होगा, लेकिन नहीं होने का चांसेस ज़्यादा है। लेकिन आप अगर कुछ डिफरेंट कोर्स का अभी अगर तैयारी करोगे तो आपके लिए शायद बेहतर होगा। आई थिंक मैं जो कह रहा हूँ पलक जी, आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं अगला कमेंट का। अगला कमेंट लिखने वाले हैं पवन, पवन दासन ऐसा कुछ नाम है उनका, मैं शायद नाम गलत बोल रहा हूँ। तो पवन जी, उनका कहना है कि आई डिड नॉट गेट सीट इन फर्स्ट राउंड, बट आई गॉट कम्युनिटी साइंस इन सेकेंड राउंड, इफ आई डू नॉट रिपोर्ट एट द अलॉटेड कॉलेज डिड दे कंसिडर मी फॉर थर्ड काउंसिलिंग? ऐसे कैसे हो सकता है पवन जी, क्योंकि आपका जो सेकेंड राउंड पर अलॉटेड हुआ है उसका जो एडमिशन का जो डेट दिया गया है, ठीक है ना, एडमिशन का डेट कितना तक दिया गया, 9th अगस्त से लेकर के 14th अगस्त तक जितना मुझे पता है, और ऑफिशियल टाइमिंग पे, उधर उस टाइम पे अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे वो आपको कैसे थर्ड काउंसिल पे कंसिडर करेंगे? हाँ ऐसा हो सकता है, आप अगर यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज पे अगर डायरेक्टली बातचीत करके आप अपना प्रॉब्लम शेयर करोगे तो वो अगर कुछ एडवाइस अगर देंगे तो कुछ हो सकता है,
जितना मतलब मैं समझता हूँ, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो आप डायरेक्ट कॉलेज के साथ बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं अगला कमेंट के। अगला कमेंट लिखने वाले हैं एमडी आफरीदी जी। बहुत अच्छा नाम है एमडी आफरीदी, मेरा एक दोस्त का नाम है आफरीदी, वो भी एमबीबीएस पढ़ रहा है, मतलब एमबीबीएस ख़त्म करके पीजी कर रहा है अभी। तो उसका कहना है कि उसने लिखा है कि क्या लिखे आपने, क्या लिखे कहाँ पता नहीं, आपका कमेंट चला गया। हाँ लिखा कि आई एलोटेड बीएससी एग्रीकल्चर इन कर्नाटका, ये बता दे कि सेकंड का, और ये बता दे कि सेकंड काउंसिल एडमिशन डेट कितने दिन है। सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेसन, आपको एग्रीकल्चर पे सीट मिला है कर्नाटक पे, और सेकंड काउंसिल एडमिशन डेट जो था शेड्यूल के हिसाब से वही है, कोई चेंजेस नहीं है, 9 अगस्त से लेकर 14 अगस्त को, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था। ओके आफरीदी जी, और कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करिएगा। तो दोस्तों अभी बात करते हैं इस वीडियो का, हमारा आखिर कमेंट बॉक्स मतलब आखिर कमेंट का, इसको लिखने वाले हैं चैनल हमारा बिंदास जी, यानी कि मैंने उनका कमेंट लिया हूँ। तो वो आपका क्या नाम है जरा हमें बताया, आपका तो अच्छा नाम है चैनल हमारा बिंदास जी, आप बिंदास है या नहीं बताइए। तो आपका कहना ये कि बिहार पूसा में किस रैंक तक तो मिला है कम्युनिटी साइंस एंड आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी, बताइए। तो आपका क्या नाम है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बिंदास बोल लेता हूँ आपको। बिंदास जी मैं आपको कहना चाहता हूँ, जनरल कैटेगरी पे आपको अभी तक सेकेंड राउंड खत्म हो गया, आपको बिहार पूसा पे कम्युनिटी साइंस पे भी आपको नहीं मिला है। देखिए आपने जो सवाल पूछा किस रैंक तक मिला है एग्जैक्टली, तो बिंदास जी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, मैं इसलिए आपको नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज है कितने तक गया है, लेकिन एग्जैक्टली मैं उसको श्योरिटी आपके नहीं हूँ, तो श्योर नहीं हूँ मैं इसके लिए आपके साथ वो चीज़ शेयर नहीं करता हूँ। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ बिंदास जी, आप उम्मीद ना रखेंगे तो अच्छा रहेगा थर्ड राउंड, मतलब उम्मीद रखो कोई बात नहीं, जैसे मैंने बोल रहा था अभी कुछ देर पहले, क्योंकि कम्युनिटी साइंस पर अभी तक आपको सीट नहीं मिला है, सेकेंड राउंड खत्म हो गया, तो थर्ड राउंड पर हाँ आपका कितना मार्क्स रैंक है वो अगर आप थोड़ा मुझे बताएंगे मैं कुछ आपको आइडिया दे सकता हूँ और अच्छे से डिस्कस कर सकता हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से आप इंतजार करो थर्ड राउंड पे, देखो क्या होता है। लेकिन मुझे जितना पता है अगर सेकंड राउंड तो कम्युनिटी साइंस आपको नहीं मिला है, थर्ड राउंड पे मिलने का चांसेस भी कम है। आई थिंक मैं जो कह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा मिंदा जी, बस इतनी सी बात थी। और दोस्तों इस वीडियो पे मैंने इतने सारे कमेंट्स का रिप्लाई किया, और मान लेते कि इसका कमेंट्स, मुझे पता है कि कुछ कमेंट छूट गया जिसका मैंने रिप्लाई इस वीडियो पे नहीं कर पाया, तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं शाम वाला और एक वीडियो आएगा उस वीडियो पे मैं उनका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और दोस्तों उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो पसंद आए, और पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना, शेयर भी करना, और हमारे YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। दोस्तों मैं मिलता हूँ शाम के साथ और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, और आज संडे एंजॉय करना, थैंक यू।